ये बड़ा कूल है, ऐसे करके आप दरवाज़ा खोलते हैं गाड़ी का। ये बड़ा यहाँ पे अभी जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है जी BYD एटो 3, और प्राइस जो है इसकी पाकिस्तान के अंदर वो 8.99 मिले, मतलब 90 लाख आप लगा लें। और 49 किलोवाट आवर की बैटरी है इस गाड़ी के अंदर, और जो चार्जिंग रेंज है वो आपको मिल रही है 350 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक आपको ये रेंज दे रही है। गाड़ी ठीक है, खूबसूरत है, सी सेगमेंट की, वो क्रॉसओवर SUV कह रहे हैं आप कह सकते हैं। ये MG ZS के साइज़ की आप कह लें गाड़ी, काफ़ी स्लीक खूबसूरत सी लाइट्स हैं इस गाड़ी के अंदर, ब्लू कलर के अंदर। नीचे आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी दिए हुए हैं, और इसके अलावा हम ज़रा इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरीज वगैरह दिख रही है। और ये काफ़ी हैवी है, ये छोटा नहीं है, हल्का, इसको हमने बंद कर दिया है। अभी आपको हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल चेक करवाते हैं, तो साइड प्रोफाइल में आ जाएँ तो रिम्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर वो भी काफ़ी खूबसूरत दी हैं, सिल्वर ब्लैक के साथ। और जो टायर साइज़ हमें मिला हुआ है इस गाड़ी के अंदर 215/60R17 inches के रिम में इसके। और इसके अलावा यहाँ पे भी BYD डिज़ाइन, रियर साइड में यहाँ पे 360 कैमरा, स्लीक लाइंस यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिया हुआ है, ये भी आपको वो फ़िश की याद दिलाएगा। ऊपर आपको पैनोरामिक रूफ भी मिल रहा है गाड़ी के अंदर। और रियर साइड्स पर आ जाएँ तो रियर से भी गाड़ी ये काफ़ी सिमिलर है सी लाइन जैसी, BYD सील जैसी। और नीचे में पार्किंग सेंसर EV लिखा हुआ है, BYD एटो 3, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ट्रंक ओपन, तो यहाँ से बटन दबाएं तो ये ऑटो नहीं है, आपको ऐसे ही खोलना पड़ता है। काफ़ी बड़ा ट्रंक है, डिसेंट साइज़ है। यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉक वगैरह, टायर फ्लूड वगैरह मिल रहा है। इसके अलावा लाइट्स हैं, और यहाँ से हम मैनुअली इसको क्लोज़ कर दें। रेयर में वाइपर है, इसके अलावा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, BYD है, और इस तरह की गाड़ी है, आपको आउटसाइड लुक दे रही है। सो इंटीरियर में पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलता है, यहाँ पे कोई लेदर स्टाइल है, बट इसकी ये जो चीज़ें हैं बड़ी खूबसूरत हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं डोर हैंडल्स, ये आपने खोलना है, बड़ा स्टाइलिश बनाया हुआ है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे आपको जो वायर दिए हैं गिटार स्टाइल, ये और स्पीकर्स हैं, काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक सीट है जी हमारे पास यहाँ पर, और लेदर सीट्स हैं रेड स्टिचिंग के साथ। और इसके साथ जी अंदर आ जाएँ गाड़ी के, तो स्टेयरिंग व्हील आपको वही कॉमन से मिलेगा जैसे आपको सी में मिलता है, BYD वो सील में, और वही BYD का आपको लोगो मिलता है। यहाँ पे छोटी सी एक स्क्रीन दी हुई है, इसके साथ साथ यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील काफ़ी खूबसूरत लेदर है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम फीलिंग दे रहा है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील जो है उसके साथ आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन मिलती है, वही आपको रोटेशन वाली ही फीलिंग देगा, रोटेट हो जाती है स्क्रीन। और यहाँ पे भी आप वेंट्स का थीम देखें ना जो इन्होंने दिया हुआ है, बड़े खूबसूरत सा ये स्टाइलिंग जो दी हुई है, साथ में ये रेड, ये देखें प्लस माइनस, यहाँ से आप इसको बंद खोल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू थीम है, यहाँ पर भी रेड स्टिचिंग है, यहाँ पर आपको मल्टीपल बटन मिलते हैं, तो ये आपको जैसे जहाज जैसे ना वैसे ही आपको फीलिंग दे रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप भी यहीं पर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, वेंटिलेशन है, ड्राइवर मोड है, स्नो मोड भी आपको सेपरेटली मिलता है, दो कप होल्डर्स हैं, देन यहाँ पे भी वही आपको इफेक्ट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये आपको मिलता है डीप होल्डर। और जो यहाँ पे मटेरियल क्वालिटी ये भी सॉफ्ट है, और यहाँ पे आपको वही लेदर इफेक्ट दिया हुआ है, और ऊपर जो है आपको कंप्लीट पैनोरामिक रूफ मिलता है ब्लैक कलर के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइट्स मौजूद हैं दोनों, ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड एज वेल। सो रेयर साइड्स के अंदर लेग स्पेस आपको सही मिलता है, ये सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे की हुई है, देन यहाँ पे भी BYD डिज़ाइन एंड देन USB चार्जिंग, काफ़ी बड़े AC के इवेंट्स दिए हुए हैं। सीट्स वही आपको सिमिलर है इस तरह की आपको MG में भी नज़र आ रही है, इसके अंदर भी नज़र आ रही है, पॉकेट्स हैं, और साइड में यहाँ पर हमारे पास दो कप होल्डर्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टच के अंदर ही बटन जो हैं वो दिए हुए हैं लाइट्स के, और ना तो आपको छत पे यहाँ पे सर लगने का कोई मसला नहीं है, मतलब कंफर्टेबली आप इस गाड़ी के अंदर रियर में बैठ सकते हैं, अगर आप लंबे बंधे में तो ऐसे कोई इशू नहीं होगा।